बिहार के लोग को मिल रही बिजली की रेट में अब कमी आएगी, यानी अब पहले के मुकाबले सस्ती बिजली मिलेगी। बिजली का दर तय करने के लिए बने बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने यह आदेश दिया है। बता दें कि बिहार में बिजली सप्लाई करने वाली दो कंपनियां हैं, पहली नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और दूसरी साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। दोनों कंपनियों ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष ये प्रस्ताव दिया था कि बिहार में मौजूदा बिजली की दर में इजाफा किया जाए। साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 36 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव पर सुनवाई के बाद आज विद्युत विनियामक आयोग ने फैसला सुनाया है। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने अपने फैसले में कहा कि बिजली के मौजूदा दर में 2% की कटौती की जाएगी। नए रेट 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले 100 रुपये बिजली बिल चुका रही थी तो 1 अप्रैल 2024 के बाद आपको 98 रुपये ही देने होंगे, यानी अब बिजली बिल में 2 रुपये की कमी आएगी। विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनियों की रेट बढ़ाने के प्रस्ताव पर आम लोगों, व्यापारिक संगठनों और उद्योग चलाने वालों से सुझाव मांगा था। आयोग ने पन्ना सहित 4 जिलों में जन सुनवाई कर बिजली उपभोक्ताओं, संगठनों और बिजली कंपनियों के अधिकारियों का पक्ष सुना था और आज ये फैसला सुनाया है। आयोग ने कहा कि बिहार में बिजली सप्लाई कर रही कंपनियां अगर नुकसान में हैं तो इसकी पूरी वजह उनकी लापरवाही, उपभोक्ता वाजिश पैसा चुका रहे हैं। अब इसमें इजाफा करने की बजाय रेट को कम करना चाहिए। हालांकि बिहार में कम आय वालों को फ्री में बिजली देने की मांग उठ रही थी। देश के कई राज्यों में मुफ्त बिजली दिया जा रहा है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में विधानसभा में कहा था कि उनकी सरकार लोग को फ्री में बिजली नहीं देगी। नीतीश कुमार ने कहा कि हम कम पैसा ले रहे हैं और लोगों को सब्सिडी भी दे रहे हैं। आम लोग को सस्ती बिजली मिले इसके लिए राज्य सरकार अभी 14,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है। वहीं बिजली विभाग के बजट पर चर्चा करती हुई ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा था कि पैसा गाछ यानी पीठ पर नहीं फलता। तो एक बार फिर आपको बता दें कि बिहार के लोग को मिल रही बिजली की रेट में अब कमी आएगी, यानी अब पहले के मुकाबले सस्ती बिजली मिलेगी। बिजली का दर तय करने के लिए बने बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने यह आदेश दिया है। बता दें कि बिहार में बिजली सप्लाई करने वाली दो कंपनियां हैं, पहली नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और दूसरी साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। दोनों कंपनियों ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष ये प्रस्ताव दिया था कि बिहार में मौजूदा बिजली की दर में इजाफा किया जाए। साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 36 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव पर सुनवाई के बाद आज विद्युत विनियामक आयोग ने फैसला सुनाया है। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने अपने फैसले में कहा कि बिजली के मौजूदा दर में 2% की कटौती की जाएगी। नए रेट 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले 100 रुपये बिजली बिल चुका रही थी तो 1 अप्रैल 2024 के बाद आपको 98 रुपये ही देने होंगे।